Welcome back to our online classes. In this video lecture, we will solve class 5th math exercise number 1, question number 8. Question number 8 is express the following in short form. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड करना था, अब हमें एक्सपेंड को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए इज 4 crore प्लस 4 lakh प्लस 8 10,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 5 10 प्लस 4 1. ओके, लास्ट के है हमारे पास 4 crore. तो लेट्स मार्किंग 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. ओके, यहां पे है 4 crore. तो करोड़ के नीचे आप लिखोगे 4, 8, 10 lakh. ओके, 8, 10 lakh means 8 into 10 lakh is equal to 80 lakh. Now 4 lakh, 80 lakh plus 4 lakh is 84 lakh. यहां पे आप लिखोगे 84 lakh. Now 10,000, 10,000 में क्या है, 8, 10,000. तो 10,000 के नीचे आप क्या लिखोगे, 8. Now 4,000, तो 1,000 के नीचे आप क्या लिखोगे, 4. Now 500, तो 100 के नीचे आप क्या लिखोगे, 5. Now 5 tens, तो 10s के नीचे आप क्या लिखोगे, 5. Then ones, तो 4 ones, तो ones के नीचे आप क्या लिखोगे, 4. तो ये था शॉर्ट फॉर्म. लेट्स कम टू दी पार्ट बी. पार्ट बी इज 90 lakh प्लस 4 lakh प्लस 3 10,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 7 tens प्लस 4 ones. ओके, लेट्स मार्किंग फर्स्ट. यहां पे सबसे लार्ज है 90 lakh, तो 90 lakh तब हम मार्किंग करेंगे. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh and 10 lakh. ओके, यहां पर है 90 lakh. 90 lakh प्लस 4 lakh इज 94 lakh. 94 lakh. ओके, 3 10,000. तो 10,000 में क्या है, 3 है. तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 3. Now 5,000, तो 1,000 पे क्या है, 5. तो 5,000. Now 100 पे क्या है, 2. 200. 10 पे क्या है, 7.
टेन एन फोर वन। ओके, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ लार्जर नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स। दे आर बेसिकली टू रूल्स। फर्स्ट इज काउंटिंग डिजिट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 9, 0। इन दोनों नंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट काउंटिंग डिजिट्स, डिजिट्स को काउंट करेंगे 1, 2। कितने डिजिट हैं यहां पर? 2 डिजिट। यहां पर 1, 2 एंड 3, 3 डिजिट। तो जिसके पास ज्यादा डिजिट होंगे ऑब्वियसली वो लार्जर नंबर होगा। यानी यहां पर कौन सा लार्जर है? ये वाला नंबर। तो कौन सा लार्जर है, इसके लिए क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। तो उन सिंबल्स को भी हम देख लेते हैं। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है इक्वल टू। ओके, यहां पर देखो लेस देन का साइन, ये जो ये वाला साइड होगा वो छोटे वाले नंबर की तरफ होगा। यहां पर कौन सा है? 23 स्मॉलर नंबर है, तो यहां पे कौन सा साइन लगेगा? लेस देन वाला। यानी ये वाला एरो, ये वाली जो चोच है ये स्मॉलर को डिनोट करेगा और ये पार्ट ग्रेटर को डिनोट करेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 4, 5, 6, 3, 9। वापस हम काउंटिंग करेंगे डिजिट 1, 2, 3। इसके पास 3 डिजिट है, 1, 2। इसके पास 2 डिजिट है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया? जिसके पास ज्यादा डिजिट होंगे। यानी ये वाला नंबर हमारे पास ग्रेटर हो गया। तो अब मैं यहां पर कौन सा साइन लगाऊं? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहां पर कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर देन। ये वाला ग्रेटर नंबर है तो हम यहां पर ग्रेटर देन लगाएंगे। यानी ये वाला जो पोर्शन है शो कर रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है एंड ये वाला पोर्शन शो कर रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो स्मॉलर है। ओके, अब इक्वल टू के लिए भी देख लेते हैं। सपोज दोनों नंबर सेम, 4, 5 ब्रैकेट 4, 5। दोनों नंबर सेम है यानी 45 यहां पे भी है, 45 यहां पे भी, तो कौन सा साइन लगेगा? इक्वल टू। क्लियर? सेकेंड रूल है हमारे पास कंपेयरिंग डिजिट टू दी लेफ्ट मोर साइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 4, 3, 2, 4, 9, 0। इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर है? पहले हम डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3। इसके पास 3 डिजिट है, 1, 2, 3। इसके पास भी 3 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग नंबर टू दी लेफ्ट मोर साइड। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर को कंपेयर करेंगे, दोनों नंबर सेम, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। तो अब क्या करेंगे? हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले को, यानी यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, तो कौन सा ग्रेटर है? 3 वाला कि 9 वाला? तो 9 वाला ग्रेटर है। यानी कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा? 490 वाला। क्लियर? अब यहां पे सिंबल की बात करते हैं। सिंबल कौन सा लगेगा? ये वाला स्मॉलर है, ये वाला ग्रेटर है, तो यहां पर कौन सा साइन लग जाएगा? लेस देन। क्लियर? लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। 9, 3,
वन टू फोर थ्री। ओके, कंपेयर करेंगे नंबर को, पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री, इसके पास थ्री डिजिट, इसके पास वन टू थ्री, इसके पास भी थ्री डिजिट। देन हम चलेंगे आप सेकेंड रूल पे, सेकेंड रूल क्या है, कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट साइड से, यानी ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को हम कंपेयर करेंगे, तो नाइन एंड टू में से कौन सा लार्जर है, ऑब्वियसली नाइन। अब सिंबल बनाएंगे, तो सिंबल कौन सा लगेगा यहां पर, ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो यहां पर क्या लगेगा, ग्रेटर है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सेवन थ्री फाइव थ्री नाइन जीरो टू ब्रैकेट सेवन थ्री फाइव थ्री जीरो नाइन टू। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास, काउंटिंग डिजिट, तो डिजिट काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहां पर सेवन डिजिट है, इस पे भी काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहां पर भी सेवन डिजिट। अब हम जाएंगे सेकेंड रूल पे, सेकेंड रूल क्या है हमारे पास, कंपेयरिंग डिजिट टू दी लेफ्ट मोस्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, पहला डिजिट सेवन है, यहां पर भी पहला डिजिट सेवन है, अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम डिजिट है तो हम अगले डिजिट में जाएंगे, अगला डिजिट थ्री है, यहां पर भी अगला डिजिट थ्री है, तब हम अगले डिजिट में जाएंगे, यानी यहां पर अगला डिजिट फाइव है, यहां पर भी अगला डिजिट फाइव है, यहां पर अगला डिजिट थ्री है, यहां पर अगला डिजिट थ्री है। ओके, अब यहां पर अगला डिजिट नाइन है, यहां पर अगला डिजिट जीरो है, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हो गया, ऑब्वियसली नाइन वाला और जीरो वाला स्मॉलर हो गया, तो अब मैं यहां पर क्या लगाने वाला हूं, ग्रेटर देन और लेस देन, क्या लगेगा, ये वाला ग्रेटर है तो यहां पर क्या लग जाएगा, ग्रेटर देन। लेट्स कम टू द पार्ट बी, पार्ट बी इज टू सिक्स जीरो फाइव जीरो जीरो एट टू सिक्स जीरो जीरो फाइव जीरो एट। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल से, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, काउंटिंग डिजिट, तो डिजिट को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, दोनों के पास सेम डिजिट है, तो हम अब सेकेंड रूल पे जाएंगे, कंपेयर करेंगे डिजिट टू दी लेफ्ट मोस्ट साइड। ओके, फर्स्ट डिजिट हमारे पास यहां पर टू है, यहां पर फर्स्ट डिजिट टू है, नेक्स्ट पे अब जाएंगे तो नेक्स्ट डिजिट यहां पर सिक्स है, यहां पर नेक्स्ट डिजिट सिक्स है, नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास जीरो, यहां पर जीरो, तो जब तक सेम सेम नंबर आपको मिल रहे हैं तो आप आगे जाओगे। यहां पर देखो नेक्स्ट डिजिट आया आपके पास फाइव, यहां पर आया नेक्स्ट डिजिट जीरो, तो जीरो फाइव एंड जीरो में कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर, ऑब्वियसली फाइव वाला क्या है, ग्रेटर है, तो अब यहां पर क्या लगेगा, ये पूरा नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो यहां पर कौन सा नंबर, कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर देन। सो स्टूडेंट दिस इज इनफ, बाकी पार्ट आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा।
टी देन बाबा एंड टी केयर।